अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम बात करेंगे हालात हाजरा पर। 1947 में हमारे वो जवान जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानी दी है और अपनी जानें गंवाई हैं, हमारी वो माएँ बहनें और बेटियां जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर कुओं में छलांगे लगाई हैं और अपनी इज्जत की हिफाजत की है, और वो बच्चे कि जिन्होंने खंजरों और नेज़ों का सामना किया है, अगर आज के हालात वो देख पाते तो यकीनन वो हिजरत ना करते। एक ऐसा मुल्क के जिसे हमने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है इस्लाम के नाम पर, इसी मुल्क के अंदर अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्लाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वैसे तो सियासत में करप्शन की कई शक्लें हैं, लेकिन इन तमाम शक्लों में से बदतरीन शक्ल वो है कि जब एक सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम बात कर रहे हैं अपने उन सियासतदानों के बारे में कि जिन्होंने सरकारी टीवी चैनल पर बैठकर इमरान खान को गैर मुस्लिम का फतवा दे दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, सियासत के अंदर ये इस्लाम कार्ड मजहबी कार्ड खेलने की रवायत वैसे तो अमूमन रही है, लेकिन इसका दिन ब दिन बढ़ना एक नए तूफान के आने की अलामत है। आज कितनी आसानी के साथ किसी के ईमान पर फतवे लगाए जा रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे सरकारी टीवी चैनल पर दिखाई जाती है, नशर की जाती है, वो सरकारी चैनल कि जिसे हम अपने टैक्सों से पालते हैं ताकि वो मुल्क की बेहतरी के अंदर किरदार अदा कर सके, उस चैनल पर मजहबी नफरत फैलाई जा रही है और मजहबी इंतशार फैलाया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावेद लतीफ़ ने सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स चलाई हैं जिनका अनवान ये था कि क्या आप ऐसे इंसान को वोट देंगे कि जो बेईमान है, जिसका ईमान ही नहीं है और उस पर कुफर का फतवा लगाया जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसमें जो सबसे ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये एक दूसरे के ईमान पे हमला करने की रवायत सरकारी टीवी चैनल पर, उस मुल्क के चैनल पर कि जो इस्लाम जमहूरिया पाकिस्तान है कि जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, उस मुल्क के सरकारी टीवी चैनल पर इस तरह की चीज़ों को नशर किया जा रहा है और जिसका कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा, और आज ये रवायत इस हद तक बढ़ गई है कि कोई अनजाने में या जानबूझकर किसी के भी ईमान पर हमला कर देता है। आए हम इस्लाम की रूह से देखते हैं कि किसी के ईमान पर हमला करना के बारे में इस्लाम क्या कहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपने इंसानियत को अल्लाह ताला के आखिरी दीन और सबसे पसंदीदा दीन में दाखिल होने की दावत दी। जो कोई भी इस दावत को कबूल करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह का कलमा पढ़ाकर उसे इस्लाम में दाखिल करते। और दिन ब दिन ये कारवां यूं ही बढ़ता चला गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी एक के लिए भी ये नहीं फरमाया कि मैं इसे इसकी फलां कमज़ोरी या गफलत की वजह से दायरे इस्लाम से खारिज करता हूं और इसे काफिर समझता हूं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद ताला की तरफ से भी एक तरह से इसकी ममानत थी। खुदावंद ताला कुरान मजीद की सूरह हिजरात की आयत नंबर 15 में इशारत फरमाता है कि ये बद्दू लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए, तो आप इन्हें कह दीजिए कि आप अभी तक ईमान नहीं लाए, लेकिन ये कहा करो कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, क्योंकि अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। इस आयत से ये बात वाजिया होते है कि खुदावंद ताला जो दिलों के भेद जानता है और कोई चीज़ भी उसके इल्म से बाहर नहीं है, वो इन बदुओं की दिली कैफियत के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर रहा है कि इन्हें बता दीजिए कि अभी ईमान इनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खुदावंद ताला इन्हें ये इजाज़त दे रहा है कि वो ये कह दें कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है या वो इस्लाम ले आए हैं। यानी खुद खुदाए अलीम व खबीर की गवाही आ गई है कि अभी ईमान इनके दिलों में नहीं उतरा है, लेकिन आपको खुदावंद ताला की तरफ से ये इजाज़त नहीं मिली है कि आप इन्हें कह दें कि आप खारिज अज़ इस्लाम हो चुके हैं, या आप बेईमान हो चुके हैं, या आप काफिर हो चुके हैं। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ौज को एक कौम पर जहाद के लिए भेजा। उस कौम में एक शख्स मुसलमान था जो अपना माल व मवेशी और साजो सामान लेकर एक
तरफ निकलकर खड़ा हो गया। उसने एक मर्तबा जब मुसलमानों को देखा तो कहा अस्सलामु अलैकुम, जिस पर मुसलमानों ने समझा कि शायद ये भी काफिर है, शायद इसने अपनी जानो माल बचाने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर किया है। इस पर मुसलमानों ने उस शख्स को मार डाला और उसके मालो असबाब को अपने हिफाजत में ले लिया। इस पर अजीज़ान मोहतम ये आयत खुदावंद ताला सूरह हिजरात की आयत नंबर 15 नाजिल हुई और इसमें मुसलमानों को ये तंबीह की गई कि जब भी तुम जहाद के लिए जाओ तो तहकीक से काम लो, बेसोचे समझे काम मत करो। जो कोई भी तुम्हारे सामने इस्लाम जाहिर करे, अपने आप को एज अ मुसलमान जाहिर करे, उसके इस्लाम की ममानियत ना करो और उसके मुसलमान होने का हरगिज इनकार मत करो। अजीज़ान मोहतम ये अमल नहायत अफसोसनाक है कि फतवाबाजी का धंधा करने वालों ने अजीब शुगल अपनाया हुआ है कि लोगों के दिलों की कैफियत के जिस पर दूसरे इंसान की दस्तरस हो ही नहीं सकती, खुद बयान करते हैं और उस पर काफिर और फासिक होने के फतवे जड़ देते हैं। अजीज़ान मोहतम, पहले तो ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि किसी को काफिर, मुलहिद, मुशरिक या फासिक कहने का इख्तियार और कहने के बाद उसे दायरे इस्लाम से खारिज करने का इख्तियार ना ही किसी को मिलता है और ना ही किसी का हो सकता है, जबकि खुदाबंद ताला ने यह इख्तियार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं किया। दूसरी बात यह कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे के बारे में ये फतवा दे कि ये फलां के दिल में ये बात मौजूद है तो गोया वो खुद खुदाई का दावेदार बन बैठा है, क्योंकि दिलों के राजों तक खुदा के अलावा किसी और की रसाई मौजूद नहीं है। तो गोया खुदाई का दावेदार शख्स कैसे हो सकता है कि वो किसी और पर ये फतवा लगाए कि फलां शख्स काफिर है, बेईमान है, मुलहिद है या मुशरिक है। तीसरी बात यह है कि खुदावंद ताला ने और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी इंसान को यह इख्तियार दिया ही नहीं है कि वो किसी और के बारे में अपनी राय कायम करे और उसे फैलाए कि वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। जो शख्स कलमे तौहीद पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया, वो इस इकरार पर अमली रंग में किस कदर कायम है, ये उसका और खुदा का मामला है। और अजीज़ान मोहतम, यही हकीकत है कि जो हमें आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक दूसरे को काफिर कहने को सख्ती से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई शख्स किसी दूसरे पर फासिक होने की तोहमत ना लगाए और ना ही उसे काफिर कहे, इसलिए कि ये तोहमत लगाने वाले पर लौट के आ जाती है। अगर वो कि जिस पर तोहमत लगाई गई है वो खुदावंद ताला की बारगाह में उसका मुस्तहक नहीं है। इसी तरह फरमाया कि जो शख्स अपने मोमिन भाई को काफिर कहे, उन दोनों में से कोई एक काफिर ज़रूर हो जाता है। लोग बिला सोचे समझे या यूँ कहें कि बिना किसी खौफ के एक दूसरे पर फतवे जड़ देते हैं कि हम तो फलां को मुसलमान नहीं समझते, इसकी फलां फलां कमज़ोरियों की वजह से हम इसके ईमान पर शक करते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि जिस बात को वो नहायत ही मामूली समझ के बयान कर रहे हैं वो किस कदर खौफनाक नताइज की हामिल है और उन्हें कितने बड़े गुनाह का मुर्तकिब बना रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिसने बिना इल्म के फतवा दिया उसका गुनाह उस फतवा देने वाले पर है। आज के दौर में ये जो हमारे सियासतदान एक दूसरे को कुफर होने के फतवे दे रहे हैं या अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस्लामिक कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहायत एक खौफनाक अमल है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान के बारे में जावेद लतीफ़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के वो भी एक सरकारी टीवी चैनल पर उनको काफिर कहा है, उनके ईमान पर शक किया है, इमरान खान के ईमान पर बोला है, तो ये एक नहायत ख़तरनाक बात है। इस पर हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सो मोटो नोटिस लें कि पाकिस्तानी टेलीविज़न पर, पीटीवी पर, जो कि रियासत का इंस्टीट्यूशन है, एक रियासत का इदारा है जिस पर रियासत के बयानियों को देना ज़रूरी है, लेकिन जब आप अपने रियासती चैनल पर जो कि एक रियासत का सुतून होता है इस पर किसी भी इंसान को काफिर कहेंगे या फिर मजहबी मुनाफिलत फैलाएंगे, मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ काबले मुजम्मत है। अजीज़ान मोहतम, पीटीवी पर ऐसी वीडियोस चलाई गई कि जिस पर ये अनवान तहरीर शुदा था
कि क्या आप ऐसे शख्स को वोट देंगे कि जिसका ईमान में ही शक है, जो कि काफिर है और जो कि बेईमान शख्स है। नहायत ही अफसोसनाक बात है कि इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के इस रियासती चैनल पर वो आपने ईमान और कुफर का पैमाना बना कर रख दिया है। यहाँ पर अजीज़ान मोहतम, मैं समझता हूँ कि आप सबको भी और उलमाए कराम को भी इस चीज़ का बकायदा नोटिस लेना चाहिए और इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन उलमाए कलाम की खिदमात जो मजहबी इंतशार और मजहबी तफरकाबाजी को ख़त्म करने की कोशिशें हैं उन पर पानी फेरा जा रहा है। एक तो उलमाए कलाम को इस बारे में नोटिस लेना चाहिए और आगे आना चाहिए, और दूसरा ये कि स्टेट इंस्टीट्यूशन को इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। पेमरा को, PTV पाकिस्तान टेलीविज़न की नोटिस लेना चाहिए, और इस तरह के इंतशार मजहबी कार्ड्स खेलना और चैनल पर मजहबी इंतशार को फैलाने को रोकना चाहिए, वरना यह हम एक बहुत बड़े खौफनाक तूफ़ान को दावत दे रहे हैं। बस सलाम।